48वीं कहानी यीशु ही वादा करीना मसीह छे। जब परमेश्वर संसारस बनाच त सब कुछ बढ़िया छो, कोई पापी नहीं छो। आदम और हवा एक दूसरा से प्रेम कर छा और उन परमेश्वर से प्रेम कर छा। कोई बीमारी या मौत नहीं छी, परमेश्वर इसो संसार चाँच। शैतानल श्यापा के जरिए बगीच में हवा से बात कर छे, कैखिन की उस बहकुन चाँच। तब हवा और आदमल परमेश्वर के खिलाफ कोई पाप नहीं करीना छो, कैखिन की फिर उन्होंने पाप कर छे। एक कारण संसार में रुनवा सब लोग मरनान, कैखिन की आदम और हवाल पाप कर छे। एक कारण कुछ और बुर भ्योज, उन परमेश्वर के बैरी बन गया। जय कारण तब भटे हरेक जनल पाप कर छे, हरेक जन जन्म भटे परमेश्वर के बैरी छन। परमेश्वर और लोगों का बीच में मेल नहीं छो, लेकिन परमेश्वर मेल करुन चाँच। परमेश्वर वादा करीना छो कि हवाक वंशज शैताना खरास कुसलाल। उल यो ल कहीना छो कि शैतान ऊक एड़ी डसोल। दूसरा शब्दों में शैतान मसीह मार डालोल, लेकिन परमेश्वर उस जून कर दियोल। एक बात मसीह शैतानिक शक्ति हमेशा किन समाप्त कर दियोल। कई सालों का बाद परमेश्वर प्रगट कर छे कि वो मसीह यीशु छे। परमेश्वर वो बाड़ेल अपन परिवारस बचाच जैस उ ल्यूनवाल छो। नू थे एक जहाज बनून खिन क्योज कि इस तरीकाल परमेश्वर उन लोगों बचाच जो उमे विश्वास कर छा। इस तरीकाल सबाक सब परमेश्वर द्वारा मार डाल जाना लायक छा, क्याखिन कि उन्होंने पाप करीना छो। लेकिन परमेश्वर उन सबुन बचून खिन यीशु मसीह भेजे जो उमे विश्वास करनान। कई साल तक परमेश्वर खिन बलिदान चढ़ुन रियान, यो देखूँच कि लोगों ले पाप करीना छे और यो कि उन परमेश्वर द्वारा दंड दी जाना लायक छा। लेकिन उन बलिदान उनार पापुन माफ नहीं कर सकचा। यीशु सबुन ठूल महायाजक छे, उल यो कर छे जो कोई नहीं कर सकचो। उल उ एकमात्र बलिदान हुनकिन खुदस दीदीज जो हरेकक पापुन मिटा सकचो। उ स्वीकार कर छे कि परमेश्वर उन सबुन का पाप थिन उस दंड दियोल। एक कारण यीशु सिद्ध महायाजक छे। परमेश्वर अब्राहम तक योज मैं त्यार द्वारा संसारक सब जाति नाशीष दूं। यीशु यो अब्राहमक वंश भटे आज। परमेश्वर अब्राहमक जरिया सब जाति आशीष नीच, क्याखिन की जो यीशु में विश्वास कर छो परमेश्वर उन सबुन पापुन है बचूच। जब इन लोग यीशु में विश्वास करना तब परमेश्वर उन्होंने अब्राहमक वंशस मानछो। परमेश्वर अब्राहम तक क्योज कि वो अपन लौज चल उखिन बलिदान करो। अब्राहम बलि चढ़ुन खिन तैयार हो गयो, लेकिन फिर ले परमेश्वर ऊक चल ईसाका बदला में बलि करुन खिन एक मेमना दीस। हम सब अपन पापुन खिन मार डाली जानक लायक छा, लेकिन परमेश्वर हमार जाग में मरुन खिन यीशु बलिदाना रूप में दीच। यही कारण हम यीशु परमेश्वर मेमना लकुनु। जब परमेश्वर मिस्र में आखिरी विपत्ति भेज छे त उल हरेक इजरायली परिवार थे क्योज कि उन एक मेमना बलि करुन। उ मेमना में कोई दोष न हुन चैन। तब अपन दरवाजान में मोलुन का मल में ऊ खूनस लगाच। तब परमेश्वर ऊ खूनस देख छे त उनार घरुन छोड़ने ग्योज और उनार जैठा चलान ने मार। जब यो भ्योज तब परमेश्वर यो फसक पर्व क्योज। यीशु फसक पर्वोक बेमनाक न्याय छे। उल कभय पाप न कर। एक कारण ऊ में केलक गलत निचो। ऊ फसक पर्वाक बखत में मर छे। जब कोई यीशु में विश्वास कर छो ते यीशु खून ओ आदमी पापुन की कीमत चुकूँच। यो इस छे जैसके कि परमेश्वर ओ आदमी छोड़ दींच, याखिन कि उस दंड न दिनु। परमेश्वर इजराइली लोगों का दगाड़ एक वादा कर छे, याखिन कि उन इस लोग छा जिनुन ले परमेश्वर अपन हुन की चुनिना छो। लेकिन अब परमेश्वर इस वादा कर छे जो कि सबुन किन छे। अगर कोई ले जातिक कोई ला आदिम यो नया वादा स्वीकार कर छो त वो परमेश्वर के लोगों में शामिल हो जाँच। यो
इस एक कारण करछो क्याखिन की येशु में विश्वास करछो। मूसा एक इस भविष्यवक्ता छो जैल परमेश्वरक वचनस बड़ी सामर्थक दगाड़ प्रचार कर छे, लेकिन येशु सब भविष्यवक्तान में सबुने ठुल छे, वो परमेश्वर छे। एक कारण जो कुछ उल कर छे और क्योच वो परमेश्वर काम और वचन छ। एक कारण पवित्र शास्त्र येशु परमेश्वर वचन कूच। परमेश्वर राजा दाऊद ने वादा करीना छो कि राजा के रूप में ऊक एक वंशज परमेश्वर के लोगुन में हमेशा राज करोल। येशु परमेश्वर चोल मसीह छे और उ दाऊद राजा वंशज छे जो हमेशा किन राज करोल। दाऊद ते इजराइलो राज छो, लेकिन येशु पूर दुनिया के राज छे और फिर आल और हमेशा किन न्याय और शांति दिगाड़ अपन राज्य में राज करोल।